हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिराज सिंह है और आज मैं आपको ड्रम बनाना सिखाऊंगा। मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूँ और सेंट पेंटिकॉन स्कूल सोना तला बहुत अच्छे से। तो अब दिखाता हूँ मैं कैसे ड्रम बजाया जाता है। छोटे बच्चे तो ऐसे ही उधर बजाते हैं ऐसे, लेकिन फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको कैसे करना होता है। आप पहले वन हैंड से प्रैक्टिस कीजिए, टू हैंड से बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी देखिए, अब है सुर में। अब इधर कुछ लोग तो ऐसे ही बजाते हैं, ऐसे ही बैठा के। अच्छे तरीके होते हैं, अच्छे तरीके ये होता है। अब देखिए फिफ्थ स्टेप। अच्छा लगा होगा। अब आपको मैं ये बताता हूँ, कुछ लोगों की बुरी आदतें होती हैं कि वो प्लांट्स को हवा में और वाटर को गंदा करते हैं। प्लांट अभी कुछ लोग आए थे यहाँ पे, आग जलाते हैं। वो ठंडी नहीं थी, गर्मी थी तो भी आग जला रहे थे। और कुछ लोग तो फिशेस को उठा ले आते हैं, जिसकी रिवर में पानी कम होता है, फिशेस नहीं होते ना यहाँ पे, फिशेस कम हो जाते हैं वहाँ पे, पानी भी कम हो जाता है। पानी कम हो जाता है तो हम लोगों के पीने के लिए कुछ पानी नहीं होता। देखिए मैं अभी आपको एक थ्री प्लांट्स दिखाता हूँ। वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, पूरे बहुत ऊंचे थे, वो सब कितने छोटे हो चुके हैं, कुछ तो नीचे लंगड़ा गए हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। बड़ी मुश्किल से जो लोग प्लांट्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, वही लोग, उन्हीं की वजह से ये सब हो पाता है। ये देखिए, ये दोनों पेड़ तो इतने ऊंचे थे, ये देखिए ये नीचे चला गया। देखिए ये पहले यहाँ तक था, इसको देखिए ये पूरा ग्रीन था, इसको लोगों ने तोड़ भी डाला। एक बड़ा सा ट्री, देखिए बहुत बड़ा सा ट्री है ये। बड़ी मुश्किल से ये बचा हुआ है क्योंकि लोग इसको बचाते हैं। देखिए तभी इसकी शेड की वजह से खूब सारी कार्स यहाँ पे हैं। ऐसे आप अगर आप बचाते रहें सबको तो देख बहुत अच्छा होगा। देखिए ये, इसको देखिए ये कितनी तेज़ी स्पीड चला रहा है। एक्सीडेंट हो सकता है या फिर किसी प्लांट में प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे में। देखिए आप खुद ही देखिए कितनी गलत बात है ये। आपको जहाँ पे ज़्यादा ये पेड़ होते हैं वहाँ नहीं चलाना चाहिए। आप फॉरेस्ट में जाते हो, देखते नहीं हो कि ऐसे। अब सोचिए आप अगर प्लांट होते, आपको ऐसे तोड़ा जाता तो सोचिए आपको कितना बुरा लगता। सोचिए आपको खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाता तो आपका क्या होता, आप मर जाते। देखिए आपको लोगों को अगर काट काट के नीचे छोटा कर दिया जाता, सोचो क्या होता आपका। आपको इन चीज़ों में सबकी हेल्प करनी चाहिए तो आप
आप लोग ऐसा गलत करते हो। देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, कितनी, देखिए इसी पेड़ की वजह से हमें सीड्स मिल रही है। लेकिन आप कितनी खुश नसीब हैं कि आपको, आप ये ट्रीज नहीं है, नहीं तो फिर पता नहीं आपका क्या होता। बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है लोगों को कि वो प्लांट्स को अच्छा रखें। अब आप ही सोचिए, सोचिए आप कैसे सोप पाते होंगे। देखिए मेरे पास भी एक सोप है, ये देखिए सोप है, लेकिन ये कैसे पाते होंगे, नेचुरल से ना, नेचुरल से ये चीज़ें आप पाते हो। आप इतना नहीं सोच सकते कि आप नेचुरल चीज़ें कितनी फायदेमंद होती हैं हमारे लिए। देखिए यहाँ, यहाँ का मौसम आजकल ज़्यादा वो हो गया है, तुरंत धूप हो जाती है तो तुरंत रात, तुरंत धूप तो तुरंत रात। शायद अभी थोड़ी देर पहले देखिए, देखिए धूप होने लगी, तेज़ी से धूप।